डिशा किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको चटनी बनाना बताएंगे। चटनी देख करके सभी के मुंह में पानी आ जाता है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शेजवान चटनी। इसका तो नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। फ्रेंड्स, ये वही चटनी है जो आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं, और आज हम इसे बनाएंगे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और सिंपल तरीके से। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी, जिसे आप 3 से 4 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप मोमोज के संग, स्प्रिंग रोल के संग या सिंपल रोटी के संग ही खा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से इस रेसिपी को की शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बगल में बेल एक आएगी उसे बजाना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, उस बेल को बजाने से आपको मेरे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास पहुँच जाएंगे। और एक लाइक तो बनता है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शेजवान चटनी। शेजवान चटनी बनाने के लिए ये ऐसी रेड कलर की मिर्च लेनी है, जो ये आती है लाल मिर्च। और अगर आप तो हमने ये फ्रेंड्स हमने ये मिर्च 150 ग्राम ली है, और ये बहुत तीखी होती है, और एक मतलब दो तरह की आती है, एक बिना तीखी, मेरी बहुत तीखी वाली है। अगर आपके पास भी तीखी वाली है तो आप इसको ऐसे तोड़ करके इसकी सारी बीजें ऐसे निकाल लीजिएगा और तब इसको यूज़ कीजिएगा। और हमने 150 ग्राम लिया है। अगर आपको तीखा नहीं चाहिए तो आप 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च आती है, बड़ी बड़ी सी होती है, वो ले लीजिएगा। रंग के लिए हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, वो सिर्फ कलर के लिए ही होता है, उससे डार्क कलर आ जाता है। तीखापन तो इसी मिर्ची से आएगा, तो अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो ऐसे भी सीड इसकी निकालें। हम सीड के संग यूज़ कर रहे हैं। इसको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप 4 से 5 घंटे गर्म पानी में गला कर रख दीजिए, और अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट गर्म पानी में डालकर इसको बॉयल कर लेना है। तो हम सीधे बॉयल करेंगे इसको, 150 ग्राम है मिर्ची, इसको हम सीधे गर्म पानी के पॉट में डाल दे रहे हैं। ये गर्म पानी ही है, इसमें सारी मिर्ची डालकर हम इसको बॉयल कर लेंगे कि ये बॉयल हो गया है। अब आपको क्या करना, ठंडा भी हो गया है, ठंडा करके आपको बारीक नहीं दरदरा पीसना है। और फ्रेंड, आप अगर डायरेक्ट इसको उबाल रहे हैं तो आप पहले मिर्ची को अच्छे से धो लीजिएगा फिर उबालिएगा, और भी अगर गला रहे हैं तो भी आप धो लीजिएगा, क्योंकि इसको गलाना तो है ही, तो इसको आप अच्छे से धो लीजिएगा उसके बाद। और ये जो बॉयल किया है ये पानी फेंकिएगा नहीं, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम 2 बार में पीस लेंगे। फ्रेंड देखिए, ये पीस गया, बारीक नहीं करना है, दरदरा ही रखना है। तो चलिए अब इसको आगे बनाते हैं कैसे बनेगा। फ्रेंड, पैन चढ़ा दिए हैं और इसमें अब हमने 6 से 7 चम्मच तेल डाला है। फ्रेंड, ये है अदरक और लहसुन 1/2 कप है। हमने 1 इंची अदरक का टुकड़ा लिया था और दोनों को मिलाकर बारीक एकदम चॉप कर लिया। आप इसे पीस उसमें बारीक काट लीजिए या चॉपर में चॉप कर लीजिए, बारीक ही रखिएगा। इसको अब हम भून लेंगे। फ्रेंड, इसको अधिक नहीं भूनना है, बस हल्का सा पिंकिश हो, और हमको मिर्चा डाल देना जो पेस्ट बना के रखे हैं। और ये 1/2 कप हमने लहसुन दिया था और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। फ्रेंड, अब ये पेस्ट जो बनाया था मिर्ची का ये पूरा डाल देंगे, और जो पानी हमने बॉयल करते थे जो पानी लिया था, जिस पानी में बॉयल किया था वो पानी रखा है, उसी को इसने मिक्सर को धो करके जार को आप डाल दीजिएगा। फ्रेंड, अब इसको ढककर 5 से 7 मिनट पका लेंगे। फ्रेंड देखिए, ये हो गया है, काफ़ी हद तक पानी इसका रिड्यूस हो चुका है। इसका पानी सूख जाना चाहिए, जब तक तेल दिखने लगे, जब एकदम से तेल ऊपर आ जाए
तब तक इसको पकाना है हमको। इसमें अभी पानी है तो ये अभी और पकेगा, और सिम पे ही रखिएगा फ्रेंड्स। इसको आपको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, जब इसमें तेल एकदम से ऊपर दिखने लगे तब तक हमको इसको पकाना है। तो चलिए फिर से अभी इसको ढक देते हैं, अभी ये टाइम है इसको। देखिए फ्रेंड अब ये हो गया है, अब हमको इसमें ये लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बोला था हमने, वो हम डाल रहे हैं। ये 2 चम्मच है। अगर आपके पास आप अगर तीखा नहीं खाते हैं तो आप 50 ग्राम कश्मीरी मिर्च डाल दीजिएगा इसमें, और अगर नहीं है तो पाउडर डाल दीजिएगा फ्रेंड। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, और इसको ये है 1 चम्मच चीनी, अगर आप तीखा ज़्यादा नहीं पसंद करते तो 2 चम्मच कर दीजिएगा। ये सोया सॉस है 1 चम्मच, और 3 चम्मच विनेगर डालेंगे सिरका, खट्टा मीठा टेस्ट आना चाहिए इसलिए केचप डाल रहे हैं, ये भी 3 चम्मच है। अब सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और बस अब गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड ये बन गई है। अब आपको हमने गैस बंद करके इसको नीचे उतार लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच ब्लैक पेपर का डाल देंगे। वैसे इसमें सेजवान पेपर आता है वो डाला जाता है, पर वो इजली मिलता नहीं है तो इसलिए ये ब्लैक पेपर डाल दिया है। और अब इसे ठंडा करके हम जार में भर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड देखिए ये ठंडा हो गया है, और एकदम देखिए मार्केट जैसे स्टाइल का बन के पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट बना है हमारा ये सेजवान सॉस। आप इसे सॉस कहिए, चटनी की कहिए, दोनों ही चीज़ इसको बोलते हैं। तो चलिए अब हम इसको जार में भर लेते हैं। ये देखिए हमने 1/2 लीटर की ये बॉटल ली है, इसमें हमको भर लेना है। एकदम सूखी बॉटल होनी चाहिए, गीला बिल्कुल ना रहे। इसे देखिए आप 3 से 4 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। ये बहुत ही बढ़िया हमारी चटनी बनी है, बिल्कुल एकदम मार्केट जैसी, मार्केट से सस्ती और सस्ती भी तैयार हो गई है। आप इसे बनाइए और आप इंजॉय कीजिए। आप आज इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आज ही आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड नए वीडियो में के साथ हम फिर से आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसे देखते रहिए ईशा किचन को, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।